व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये शूट चल रहे हैं। अभी हमने 1 घंटे में निकलना है। आज है 22 अक्टूबर। हमें निकलना था सुबह 4 बजे धर्मशाला के लिए मैच देखने। हमें एक दिन पहले पता चलता है कि हमें गुजरात से इनवाइट आया है और गरबा एक्सपीरियंस के लिए हमें अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा यार, एक तरफ मैच, एक तरफ गरबा एक्सपीरियंस करना है। धृति ने तो बोल दिया था कि हम गरबा ही जाएंगे एंड आज हम आपको दिखाएंगे गरबा एक्सपीरियंस। एंड ये खुशी और बढ़ जाएगी अगर दो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, वीडियो लाइक कर दो। भाई एंगेजमेंट बढ़ाना जरूरी, यूट्यूब एल्गोरिथम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है एंड हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों का अब सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह सुबह अपनी पूजा हो चुकी है एंड हम फाइनली निकल रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं हुई, जब हो जाएगी आपको ले जाएंगे। हम निकल रहे हैं अहमदाबाद। सुबह सुबह सारा खाना पीना हो चुका, थोड़ा सा प्रसाद दे देना यार, हम भी जाए फिर। अष्टमी जल्दी कर ली, अब हम आराम से। असली टैलेंट तो लड़कियों का है, सुबह सुबह मेकअप पता नहीं कैसे कर लेते। 6:05 हो रहे एंड अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और वैसे भी मुझे व्हीलचेयर पे बिठा देते तो वो वैसे ही जल्दी जल्दी साइड से निकाल देते। गाइस सुबह सुबह देखो क्या दिख गया हमें, लेफ्ट राइट से आवाज आ रही है बाइक्स की। ये जा रही है डुकाची हमारे सामने। टायर देखो भाई, इसके मुंह से भी बड़ा टायर। इतनी खुश हो रही है लड़की सुबह। आपको हमारी सेवादारी अच्छी लगी हुई है तो आप हमें एक गिफ्ट दे सकते हैं। कस्टमर केयर वाली होते हैं, हमारा काम सारा करती है, हमारा बैग पकड़ती है। हम आपकी असिस्टेंस के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपकी असिस्टेंस हमारे साथ है, आपको कोई भी सेवा बारी की जरूरत पड़े तो हमें कभी भी कॉल कीजिए। इसको ना बदले में गिफ्ट चाहिए और तो वापस आ जाओ, फिर हम शॉपिंग करेंगे। वापस कहाँ से आओ भैया? अहमदाबाद से। अहमदाबाद आप मुझे ढूंढ के उधर भी तो रह सकते हैं। व्हाट से अब हम निकल गए अमा आती आ रहे अहमदाबाद जाओ छे कर लिए जा रही है। क्या बोलना, गाइस हमने चाहा था कि हम गरबा करें तो हम गरबा के लिए जा रहे हैं, बट हम ये लंगड़ा होकर ओनली टू भंगड़ा को भी लेके जा रहे हैं 1 लाख गरबा करने। अब Your smile keeps playing, your pass away, yeah. How it goes, it's just like that. वो कहता ना जो आपकी किस्मत में शहर होता है उसका छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ दिन पहले ही हम गए थे बट हमें वापस बुलावा आ गया और ये हमें खींचते हुए ले आई। पहले मिलने वाले बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से, उनमें से एक होंगे जो चीफ मिनिस्टर है हमारे गुजरात के, उनके साथ अगर हम मिलेंगे प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। आज तो मजा ही आ गया, पूरी कैलकुलेशन से हम जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। रास्ते इतने ज्यादा प्यारे, ट्रैफिक है नहीं। जो हमें एयरपोर्ट से निकलने का टाइम था उतने देर में हम आधे घंटे दूर होटल पहुंच गए। एंड वी स्टेइंग इन द लीला, काफी ज्यादा सही लग रहा है। आपको बाहर से दिखाना भूल गया, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो यहाँ पे। क्या सीख के आया बेटा घर से? ओए गाइस, भाई का सिर इतना बड़ा है कि खाने की फील तो एक ही बंदी ले रही है। क्या प्लेटें भर ली है हाजी, क्या हो रहा है? डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ भूखड़। फुल गुजराती खाना भर लिया। व्हेन यू रीच द ब्रेकफास्ट क्लोजिंग टाइम पे हमने अपने लिए मंगा लिए भटूरे। अपन नहीं आता, हमने किस प्लेट से खाना खाया। आओ, आओ, शिकारी आदमी 12 घंटे से जगा हुआ है, 36 घंटे से एनर्जी का राज क्या है मुझे। एक आता है पानी, एक ना फिर अलग अलग रंग में आता है, काला, सफेद, बुलबुला, ये सब पी गया है। तू भी लंगड़ा हो गया, मतलब मैं भी लंगड़ा हो जाऊं। मैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी ला चुका हूँ, मैं अपनी एक दिशा बदल चुका हूँ। दिशा कौन सी, अलग लड़की आ गई भाई। एंड कम से कम आज 50 से 60 इन्फ्लुएंसर्स होने वाले, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। इतना ज्यादा प्यारा रूम एंड द बेस्ट पार्ट, पूरा गांधीनगर सिटी दिख रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं दांती कुटीर म्यूजियम। थोड़ा सा लेट हो गए, सारे जा चुके हैं, बट भाई इतना ज्यादा सुंदर बना है ये पूरा म्यूजियम है। एंड यहाँ पे अंदर पूरी हिस्ट्री चल रही है, बट हिस्ट्री पढ़ा भी किसको रहे है? जिसको कुछ नहीं समझ आता। बताइयो, क्या बताऊं? महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइयो। करण। हाँ, क्या हो गया आपको? मोहनदास करमचंद गांधी। अंदर एक मूवी चलाई जा रही है, इसका ऑडियो हेडफोन में आ रहा है। एंड यहाँ पे एकदम पुराने पुराने मोमेंट्स आप रिलीव कर पा। तो भाई यहाँ पे पूरा गुजराती थाली होने वाली है, बढ़िया सेटअप हो चुका है सारा। इसने खाना भी शुरू कर दिया, वेट नहीं करना होता लोगों का। ओ माय गॉड, अगर वेज खाने में गुजराती खाने से बेटर कोई चीज हो सकती, और आप लोगों ने खिला दी, मैं मान जाऊंगा। और गुजराती थाली तो ओवरलोड हो गया है, इसकी नजर मेरी टिक्की पे है। गुजराती मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि मीठा पहले ही आ जाता है, कोई वेट नहीं करते, खाना खा लो। मीठे के साथ ही खाना खाने में जो मजा आता है ना, स्टार्टर्स और डेजर्ट एकदम साथ में।
तो भाई अपना काफिला निकल चुका है, हमारे सीएमजी के घर जा रहे हैं। अपना मैच भी साथ साथ चल रहा है जो हम नहीं देख पाए, बट फीलिंग ऐसी आ रही है। फाइनल के लिए हम फिर से तीसरी बार अहमदाबाद आएंगे, बिकॉज भाई इतना प्यारा शहर है। भाई ये अब घर के अंदर एक्चुअल हेड से पहली बार मैं किसी सीएम रेजिडेंस में जा रहा हूँ, मतलब मैं एमपी के घर गया हूँ बट देन सीएम के घर पहली बार जा रहा हूँ। एंड ये तो घर के अंदर एक और घर है, यहाँ पे भी और लोग रहते हैं सीएम के अलावा। तो भाई अपनी गाड़ी में पार्क हो गई है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ से एक सीक्रेट एंट्रेंस है जहाँ से हमें जाना है। शायद हम व्लॉग नहीं कर पाए, आई थिंक सीएम साहब आ चुके हैं, उनकी सिक्योरिटी वगैरह भी सारी आई है। तो भाई ये फाइनल सिक्योरिटी है, यहाँ पे हमें अपना फोन देना पड़ेगा, जमा करा दो व्लॉगर अपना फोन। हम लोग निकल चुके हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट दो लोगों के साथ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गए, इनको खड़ा करा दिया। पहले अनुने खड़ा हुआ, उसको समझ नहीं आया, फिर भी उसने बता दिया, फिर मैं धृति देख रहा, मैं सोच रहा मैं मुझे आएगा धृति आएगा, और धृति को आ गया, धृति खड़ी हो गई। धृति ने पहले इंग्लिश बोली, हिंदी बोली, सही बात बोल दिया। काफी सारी चीजें हैं, मतलब हम अभी रणथंभौर जिम कॉर्बेट करके आए हैं, अच्छी जगह है, बट देन गुजरात में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है, एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज के दिन याद आ गए, आउट ऑफ सिलेबस स्कूल के, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। हां मुझे खड़ा करा दिया अरुण ने, मैं कहा है ये कहां से आया, ये हंस रहा है। धृति आ गई, नमस्कार भाई। वो स्कूल में नहीं होता कि टीचर आपको रैंडमली खड़ा कर देता है, सवाल का जवाब दो। मेरी ऐसी हालत खराब, मैंने कहा अगला सवाल मेरे से आएगा और मेरी तैयारी नहीं। तो भाई रूम पे आ चुके हैं अब, एंड पिछले 48 घंटे मुश्किल से 5-6 घंटे सोए हैं, बट ये मैच देखना जरूरी है एंड ये भी खाना जरूरी है। हम सुबह से 4-5 चीजें करके वापस आए, अब हम फाइनल आरती के लिए भी निकलेंगे 8 बजे के आसपास। हम लोग थोड़ा डिनर करते हैं, मैच देखते हैं, देन गरबा करें। जिस चीज का वेट करते फाइनली होने वाला, तैयार हो चुके हैं भाई ने। मैडम पूरा गुज्जू स्टाइल में तैयार हो चुकी है, प्रैक्टिस कर लिए डांडे की, कैसे करते हैं? हाय यूट्यूब से सीखा है क्या? कुछ भी गलत किया मैंने। डांस सिखा इसको, तू सिखा ये देखिए देखिए देखिए, हाँ कर कर, अरे हाँ हाँ, साले धक्के इतने पड़ेंगे ना भाई, वहाँ पे वेट नहीं करते, जब ग्रुप में होते ना सारे ऐसे करते। आपको गर्मा में आज एक टांग पे भंगड़ा करके दिया। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं गरबा के लिए, अब मुझे थोड़ी सी टेंशन है कि मैं गरबा तो खेल नहीं पाऊंगा, बिकॉज उसके लिए दोनों पैर चाहिए होते, मैं करूंगा भांगड़ा। एंड हमारे साथ एक्सपर्ट आए हुए हैं सारे चंडीगढ़ से और अमृतसर से। धृति विल यू टीच मी भांगड़ा? यस ओके, आई विल टीच यू गिद्दा। हम टुंगड़ा भंगड़ा करेंगे। एंड गाइस हम निकल चुके हैं रोड ट्रिप के लिए, सो हमने जाना है गांधीनगर से अहमदाबाद, वैसे तो ज्यादा दूर है नहीं 30 मिनट, बट देन फीलिंग वैसी आ रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं जीएमडीसी ग्राउंड, एंड यहाँ पे वीआईपी लाउंज से एंट्री हुई हमारी, एंड एवरीवन इज रेडी। अरे तो शादी के लिए आया गया पूरा बन गया है, अच्छा कमेंट आ जाएगी उल्टे सीधे। सुना है 2-3 किलोमीटर लंबा है, ओए ओए ओए, यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है, ये पूरा वीआईपी एरिया है, बट वो चेक करो यार, कहाँ तक देख पा रहे हो, पूरा पीछे तक भरा हुआ। गाइस राम मंदिर का यहाँ यूनिट लगा हुआ है, काफी ज्यादा सुंदर होगा जब बनेगा। गाइस खिचड़ी की स्टार कास्ट भी आई हुई है यहाँ पे, फुल एंजॉय। गाइस सबने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए और सब एंजॉय कर रहे हैं। गाइस बाबा जी तो फुल फ्लोट कर रहे हैं यार, बहुत सुंदर। ये गुजरात का थीम पेविलियन है, यहाँ पे सारा मेंशन है, जो जो चीजें गुजरात में है सब कुछ बना हुआ है। आपके पास बीचेस है, मंदिर है, बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे एशियाटिक लायंस है, तो आप पूरा फॉरेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी वीआईपीसी एंट्री हो रही है, बिकॉज बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा क्रेजी सीन, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, मैं अगले साल पक्का आने वाला हूँ और प्रॉपर प्रैक्टिस करके परफॉर्म करेंगे। बजने वाले हैं, अंदर वाला ग्राउंड भी भरने लग गया धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे भी इतने सारे लोग हो गए हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुकवाएंगे ताकि हम निकल सके यहाँ से बाहर।